तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं एमएस एक्सेस के बारे में। और एमएस एक्सेस के क्लासेस में हमने लास्ट समय बात की थी आपसे कि किस तरीके से हम यूज करते हैं अपना डेटाबेस के अंदर मेक टेबल और मेक टेबल एंड इंसर्ट टूल, ठीक है ना, अपेंड इसको बोलते हैं, अपेंड के बारे में हम डिस्कस किए थे। तो हमने मेक टेबल एंड अपेंड क्वेरी के बारे में डिस्कस किया था किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपडेट क्वेरी के बारे में, ठीक है। क्वेरी में अगर मैं डिजाइन क्वेरी में जाता हूं तो यहां मैंने सीट वन को ले लिया, तो हमारे पास हमने मेक टेबल मतलब कि एक नया टेबल क्रिएट करता है, अपेंड मतलब कि किसी कंडीशन से डेटा के अंदर इंसर्ट करना, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं यहाँ पे अपडेट क्यूरी कि यहाँ पे हम अपडेट किस तरह से करें, ठीक है। अपडेट से पहले अपेंड क्यूरी के अंदर में जो हम क्यूरी अपेंड करते हैं, उस क्यूरी के अपेंड के अंदर में क्या हम इससे एमएस क्या बोलते हैं उसको, क्या हम फॉर्म से डेटा इनपुट कर सकते हैं क्या सर? तो चलिए एक बार ऐसे हम सिक्वल क्वेरी के जरिए तो करते ही हैं, हाँ सिक्वल क्वेरी के जरिए तो हम करते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं क्या आप विदाउट सिक्वल कर सकते हैं? तो वो एक बार हम यहाँ आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर जैसे कि हमने यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाते हैं, एक टेबल छोटा सा टेबल बनाते हैं डेटा नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हाँ हम देते हैं कस्टमर नेम नेम, और यहाँ पे हम टेक्स्ट कर दिया, और सिटी यहाँ टेक्स्ट हो गया, एंड अमाउंट या नंबर हो गया, बस इतना ही चीज। तो हम नॉर्मली तो फॉर्म यूज करते ही करते हैं, लेकिन अगर हम क्रिएट में हम डिजाइन फॉर्म लेते हैं, एक तो होता है कि आप अपने हिसाब से इस टेबल का डेटा रख लेते हैं, लेकिन फॉर्म में एक चीज और भी होता है कि आप जो है खुद ब खुद क्रिएट करते हो यहां से। जैसे ये देखा ना आपको टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स आप खुद ब खुद क्रिएट करते हो, क्योंकि इस पे और भी बहुत सारे रिलेशन एंड कैलकुलेशन लगे होते हैं। या फिर एक फॉर्म में आपको तीन चार पांच अलग अलग कंडीशन पे डेटा एड करने, ठीक है। नेम, हाँ और हमने इसको जैसे कि वी एक्सेल में वीबीए में यूजर फॉर्म होता है, तो यहां पे हमने सिटी सिटी और हमने यहां पे अमाउंट ले लिया, तीन टैग बना लिए, ठीक और यहां पे अमाउंट तीनों देखे गए को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अरेंज में आते हैं, मेक ए सेम्स यहाँ पे, ठीक अलाइन होता है, अलाइन में टू लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट 0 को हम नेम कर देते हैं ऑल में जाके एन एन। उसके बाद टेक्स्ट 2 को हम कर देते हैं सिटी सिटी सिटी, एंड क्योंकि वहां पे कोड में दिक्कत नहीं होगा। और अमाउंट का हम कर देते हैं एम, ठीक है, दो लेटर में। उसके बाद फॉर्म को सेव करते हैं डीएफ के नाम से। उसके बाद हम यहां पे चलिए हम क्रिएट में जाते हैं, डिजाइन क्वेरी में जाते में आते हैं, और फिर यहां पे हम करते हैं अपेंड टेबल नेम
किस में आपको अपेंड करना है, तो मुझे अपेंड करना है डेटा टेबल, ये डेटा टेबल हमने डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपेंड टू, यहाँ पे डेटा सिलेक्ट करते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा सी नेम, अपेंड टू सी नेम कहाँ से करना है, तो मैंने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में हमने लिखा फॉर्म्स स्लैश, फॉर्म का नेम क्या है डीएफ, उसके बाद हमने स्लैश एमएम, ठीक है, कॉपी यहां पेस्ट करते हैं और एन एन के जगह पे यहां हो जाएगा सीटी, और हम यहां पे देते हैं कि मुझे सीटी सीटी अपेंड करना है, और ये हमारा हो जाएगा ए एम, और ये भी हम कर देते हैं इसको अमाउंट। ठीक है, अब इसकी इसको एक बार मैं यहां से क्लोज करता हूं, क्यूरी। ठीक है, उसके बाद वापस हम डिजाइन व्यू में जाते हैं, और यहां डिजाइन में हम एक बटन लेते हैं, बटन को डिजाइन करते हैं, डिजाइन करते ही पॉपअप आता है, इसमें मिसलेनियस में हम रन क्यूरी सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्यूरी वन, नेक्स्ट रन क्यूरी, टेक्स्ट के जगह पे हम यहां पे करते हैं इंसर्ट इंसर्ट या फिर सेव। ठीक है, अनफिनिश, और इसको क्लोज करते हैं, डीएफ पे जाते हैं, नेम में मैंने दे दिया पूजा, सिटी दे दिया मान लीजिए दिल्ली, और अमाउंट हमने डाल दिया, ओके क्लिक करते हैं, यस यस, टाइम देखिए। ठीक है सर, सुना गया? हाँ ठीक है, तो अपडेट क्यूरी को हम इंसर्ट क्यूरी, जो हमारा इंसर्ट क्यूरी है, अपेंड क्यूरी है, हम उसको फॉर्म के जरिए भी ले जा सकते हैं। ठीक है सर, हाँ सर, तो ये रहा हमारा इंसर्ट का कमांड। अब इसमें ये तो हो गया, चले ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, अगर चलिए क्यूरी में वापस चलते हैं, तो डिजाइन क्यूरी में हमने अपेंड क्यूरी को फॉर्म के जरिए रन करना सिखाया। अब बात करते हैं अपडेट क्यूरी के बारे में। अब अपेंड क्यूरी क्या था कि आपका नया एंट्री कर रहा है, एंड अपडेट क्यूरी क्या है कि आपकी ऑलरेडी कोई क्यूरी डेटा है, ठीक है, क्रिएट पे डिजाइन की,
तो यहां पे सीट वन पे मैं ऐड करते हैं अपेंड क्यूरी। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सीट वन पे, जो हमारा सीट वन है, सिटी है, दिल्ली सिटी है, तो मैं चाहता हूं जहां जहां दिल्ली है ना वो न्यू दिल्ली बन जाए। ठीक है, जहां जहां दिल्ली है वहां वहां न्यू दिल्ली बन जाए। तो उसके लिए यहां पे हम क्यूरी के अंदर में डिजाइन पे आते हैं, अपडेट क्यूरी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या किया, हमने बोला कि मुझे क्या करना है सिटी कोड को, सिटी कोड सीट वन अपडेट टू। ठीक है, हाँ और इसको सेव करते हैं क्वेरी नाइन का। क्वेरी नाइन अब देखिए सीट वन में जहां जहां दिल्ली था वो हमारा न्यू दिल्ली। ठीक है, हाँ तो अपडेट क्यूरी में हमने इस्तेमाल किया कि किस तरीके से हम क्यूरी को यूज कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, जैसे मैंने आपको इसमें अपेंड क्यूरी मतलब कि इंसर्ट क्यूरी में बताया कि हम फॉर्म से भी उसको यूज कर सकते हैं, एक बार आप जो है उसको फॉर्म से ट्राई करके देखिए अपडेट क्यूरी को, आपसे नहीं होगा फिर हम ट्राई करेंगे। ओके।